मेडिसिकेशन भी बताऊंगा, साथ साथ दवाई भी बताऊंगा। अल्लाह अपने करम से इंशाल्लाह इस नशे जैसी बीमारी से ना ज़रूर निजात दे देगी। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें, जहर खुद परचेज करके आप अपने आप को ना दें, ये बहुत नुकसानदेह शय है। जो भी इससे बचना चाहता हो वो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, क्लिनिक पर आ सकते हैं, नशे देता हूँ। तो नौजवान तबका, लड़के भी और लड़कियाँ भी जिस तरह नशे में इन्वॉल्व हो चुके हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल अभी मेरे जहन में आया कि यूनिवर्सिटी के ऊपर बात चल रही थी, तो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनका एक अपना ग्रुप होता है और वो एक शरीफ सादे से बच्चे को, जो बेचारा पढ़ने आया होता है, इल्म हासिल करना आया होता है, उसको वो एक नशे वाली चीज़ों में, छालिया, गुटखा, मावा, सिगरेट, जो भी इनकी चीज़ें होती हैं उसमें लगा देते हैं, जो पेरेंट्स फिर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने गया था और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के साथ क्या होता जा रहा है, उसकी सेहत पे भी असर पड़ रहा होता है, उसके अखलाक पे और उसके रवैयों में तब्दीली आ रही होती है। तो इसके लिए इलाज के लिए लोग, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि लोग इलाज चाहते हैं इसका, मगर वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे होते, तो इसके लिए क्या चीज़, कोई दवा, कोई वजीफा, इस पर कुछ बताएं। देखिए सही में आपने जो बात की है ये बहुत हॉट इशू है इस वक्त का, मैं खुद भी बहुत अपसेट होता हूँ, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, तो नौजवान तबका, लड़के भी और लड़कियाँ भी जिस तरह नशे में इन्वॉल्व हो चुके हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं। और मैं इस वक्त गुज़िश्ता चंद दिनों पहले सिंध के एक बहुत बड़ी फैमिली में मुझे जाना हुआ, उन्होंने मुझे बुलवाया यहाँ से, और बहुत बड़े पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी हैं उनका, एक ही बेटा, करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग कह रहे हैं आप उनको, गार्ड्स और आगे पीछे सारी चीज़ें, लेकिन वो आइस के नशे में इस कदर इन्वॉल्व हो चुका कि वो आखिरी अय्याम में अपने था, उन्होंने मुझे यहाँ से बड़ी रिक्वेस्ट करके बुलवाया, अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि ये नशे इंसान को मौत तक ले जाते हैं और वो छूटने के चांसेस भी नहीं होते, इतना आदि हो जाते हैं ना जहन, उसको फिर सुकून नहीं मिलता। इसके लिए दवा भी है और दुआएं भी हैं, और ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, और मैं नौजवान तमाम भाइयों और बच्चों और बेटियों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें, जहर खुद परचेज करके आप अपने आप को ना दें, ये बहुत नुकसानदेह शय है। जो भी इससे बचना चाहता हो वो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, क्लिनिक पे आ सकते हैं, तशरीफ लाएँ, मेडिसिकेशन भी बताऊंगा, साथ साथ दवाई भी बताऊंगा। अल्लाह अपने करम से इंशाल्लाह इस नशे जैसी बीमारी से ना ज़रूर निजात दे।